आज 12 अगस्त राखी बांधने का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ मुहूर्त जानेंगे। जैसे कि शास्त्र कहता है कि हिंदू धर्म में 2 दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। 12 तारीख को भी रक्षाबंधन का त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। कई लोगों ने 11 तारीख को बना लिया, परंतु कई लोग भद्रा के भय से 12 तारीख को बना रहे हैं। ऐसे में ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए अभिजीत मुहूर्त, जो कि सर्वोत्तम माना जाता है प्रत्येक कार्य के लिए, इस समय के जो देवता होते हैं वह श्रीहरि विष्णु हैं। अगर कहा जाता है इस समय कोई शुभ कार्य किया जाए, कोई भी कार्य हो सकता है, रक्षाबंधन हो या अन्य कार्य, स्वयं श्रीहरि विष्णु चारों तरफ से उसे समृद्ध बनाने में तत्पर होते हैं। ऐसे में आज रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई के हाथ में इस समय राखी बांधते हैं तो काफ़ी सर्वोत्तम होगा। जैसे कि पूर्णिमा तिथि हालांकि 7 बजे से पहले पहले ही खत्म हो जा रही है, 7:05 के आसपास, किसी कारणवश। होता क्या है कि हम भागा भागी में होते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, और अन्य कारण भी हो सकते हैं कि जल्दी से राखी नहीं बांध सकते। ऐसे में आप सभी ढूंढ रहे होंगे कि क्यों ना कोई दिन के टाइम पर ऐसा समय हो, ऐसा मुहूर्त हो जिसमें हम अपने भाई की राखी बांध सके। तो ऐसे में आज इस वीडियो में यही जानेंगे। सबसे पहले आप सभी जो है नोट करते हुए चलिएगा, ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय, जो कि रक्षाबंधन के लिए काफी शुभ है, दिन के समय 12:06 से 12:58 तक रहेगा। यह काफी शुभ मुहूर्त जाना जाता है। इसके साथ ही आज का राहु काल का समय भी जान लीजिए। इस समय जो है इसे राहु काल को कहा जाता है कि इस समय कोई भी कार्य इत्यादि नहीं करना चाहिए जहां तक संभव हो सके। ऐसे में आज का राहु काल का समय है 10:15 से 12:32 तक। इसे जो है अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। पंचांग में अगर विश्लेषण किया जाए तो इसे शुभ और अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इन चीजों को विशेष महत्व देते हैं या मानते हैं तो इस शुभ समय में आप सभी को जो है राखी बंधन करना चाहिए। वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखे। जय माता दी।